अब आते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है गाइस, जरा एक रिएक्शन देखते हैं। ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी। हम कहेंगे सपोजिंग इसके एक्स ग्राम इक्विवेलेंट थे, इसके एक्स ग्राम इक्विवेलेंट है, तो जब रिएक्शन खत्म होगी तो हमारा ना ए का कुछ बचेगा ना बी का कुछ, और सी और डी के एक्स ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे, दोनों के सेम ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी फॉर्म इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी फॉर्म इन द रिएक्शन। क्लियर? होल्ड ऑन अ सेक बच्चा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, होल्ड ऑन अ सेक गाइस। बच्चों समझ आया नहीं आया? गलती, स्क्रीन बंद हो गया था गाइस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ यहां तक? हाँ अभी कर दें। ठीक है समझ गए गाइस, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है? मोल्स इनटू एन फैक्टर। मतलब हमें एन फैक्टर फॉर ए पता होना चाहिए, एन फैक्टर फॉर बी पता होना चाहिए, एन फैक्टर फॉर सी पता होना चाहिए, एन फैक्टर फॉर डी पता होना चाहिए। अब एन फैक्टर होता क्या है उस पे आते हैं। एन फैक्टर, व्हाट इज एन फैक्टर? एन फैक्टर इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसफर्ड बाय वन मोल ऑफ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इज एन फैक्टर। यही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होते थे, डू यू रियलाइज और नॉट, ये तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता था। हाँ है ना? तो एन फैक्टर को चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकाला जा सकता है। ओके गाइस स्टार्ट करते हैं, बेटर फील आई। हम एन फैक्टर निकालना सीख रहे। देखो गाइस FeSO4, पहले मुझे ये बताओ ये जो हमने FeSO4 लिया क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है फर्दर? कैन इट सर्व एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? कैन इट बी ऑक्सीडाइज? ऑक्सीडेशन होगा तो किसका होगा? Fe का होगा, प्लस टू से बंदा प्लस थ्री पहुंच जाएगा। अब हाफ रिएक्शन, पहले हम देखेंगे एन फैक्टर को निकालना यूजिंग हाफ रिएक्शन या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर दो। हाफ रिएक्शन को क्या कर दो बच्चों? बैलेंस। क्या से इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस करने, चार्ज ही बैलेंस करना? हाँ है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन द एलिमेंट गेटिंग ऑक्साइड रिड्यूस, वो तो सारा बैलेंस है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, आयन बैलेंस है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो मुझे बताओ एन फैक्टर फॉर Fe2+ क्या होगा? 1। Fe3+ क्या होगा? उसके लिए भी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। एन फैक्टर इज 1 फॉर बोथ। ओके गाइस कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? अब अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे लेते हैं, सल्फेट नॉर्मली अनटच रहेगा, आयरन इज द वन विच इज गोइंग टू गेट रिड्यूस, और आयरन अगर प्लस टू से रिड्यूस होगा तो किस पे जाएगा बच्चों? प्लस वन पे नॉर्मली नहीं जाता, इट गोज टू जीरो। नाउ बैलेंस द चार्ज। दो इलेक्ट्रॉन हमें लेफ्ट साइड में डालने पड़ेंगे, नहीं डालने पड़ेंगे? एन फैक्टर क्या आएगा Fe2+ के लिए? Fe के लिए क्या आएगा? 2। Fe2+ के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं? 2। Fe के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं? 2। एन फैक्टर फॉर बोथ ऑफ देम इज 2। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड नाइस, क्लियर है बच्चों यहां तो कोई डाउट? और ये जो 2H को हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से भी देख सकते थे, प्लस सी से प्लस, मतलब पहले प्लस टू से प्लस सी गया पहले वाले में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 1। गुड Fe2+ गिविंग Fe के लिए कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस आ रहा है? 2 का।
अगेन यू आर गेटिंग एन फैक्टर। ओके गाइस, अब आते हैं H2C2O4। ये क्या होता है बच्चों? ऑक्सैलिक एसिड। हमारा ऑक्सैलिक एसिड में अगर तुम एच प्लस हटा दो तो क्या बनेगा बच्चों? ऑक्सैलेट आयन। ऑक्सैलेट आयन गाइस, ये होता है ऑक्सीडाइज। तुमने अभी रिएक्शन में देखा भी था, कई जगह देखा था, मतलब एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये कहाँ जाएगा बच्चों? C2O4 2 माइनस CO2 में जाएगा। नाउ बैलेंस द रिएक्शन। हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर, कार्बन बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज? कार्बन बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन उसके साथ ही बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हाइड्रोजन है ही नहीं। मतलब ये बैलेंस द हाफ रिएक्शन। अब मुझे बताओ C2O4 2 माइनस के लिए एन फैक्टर क्या है? टू। एक C2O4 2 माइनस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है? दो का। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? CO2 के लिए एन फैक्टर क्या हुआ? वन। क्लियर हुआ है? नहीं हुआ बच्चों? ये तुम ऑक्सीडेशन स्टेट से देखना चाह रहे हो। मैंने अभी ये जो बताया, ये मैंने बताया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दैट इज बेटर, ऑब्वियसली इट इज बेटर। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? हमने क्या किया है यहाँ पे? हमने किया इस रिएक्शन को बैलेंस यूजिंग हाफ रिएक्शन बैलेंस। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस नहीं देखा। ठीक है बच्चों? हमने कहा एक C2O4 2 माइनस के लिए दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो C2O4 2 माइनस के लिए एन फैक्टर टू, CO2 के लिए एन फैक्टर वन, क्योंकि दो CO2 के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, एक के लिए एक का हो। लेकिन अगर तुम इसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से देखना चाहते, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? हम कहेंगे यहाँ पे +3 से +4 जा रहा है, हाँ है ना? लेकिन तुम्हें C2O4 2 माइनस के लिए एन फैक्टर चाहिए, तो उसमें कार्बन कितने हैं? दो। तो 2 × 4 − 3, दैट इज योर आंसर। समझ आया नहीं आया बच्चे? दो कार्बन, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के डिफरेंस। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से 4 गई, एक का डिफरेंस है, लेकिन C2O4 के लिए इन फैक्टर देख रहे हो, तो देखो कार्बन उसमें कितने हैं? दो है, तो 2 × 1, दैट इज योर एन फैक्टर। अगर तुम CO2 के लिए इन फैक्टर देखोगे तो क्या आएगा? डिफरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना है? 3 से 4 जा रहा है, या 4 और 3 का डिफरेंस है 1, लेकिन CO2 में तो कार्बन ही एक है, तो एन फैक्टर फॉर CO2 इज गोइंग टू बी 1। ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट से देखा है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? डिफरेंस तुम्हारा 3 और 4 का एक आ रहा है, लेकिन C2O4 में दो कार्बन है तो × 2 कर दिया, CO2 में एक कार्बन है तो × 1 कर दिया। समझ आया नहीं आया बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट से एन फैक्टर निकालना आया या नहीं आया? आ गया, गुड, दैट इज ग्रेट। ओके गाइस, तो Na2C2O4 इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा बच्चों? एज रिड्यूसिंग एजेंट टू। अब मैं लेता हूं Al2C2O4 थ्राइस, इसके लिए एन फैक्टर क्या आएगा बच्चों? बताओ मुझे। इट इज गोइंग टू बी 6, हाँ या ना? ऑक्सीडेशन स्टेट इज फास्टर बट नॉट ऑलवेज इजी टू यूज। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे निकाला? यार +3 से +4 जा रहा है, और Al2C2O4 थ्राइस में कार्बन कितने हैं? 6। डिफरेंस एक का आ रहा था, 3 है 4, 1 × 6 इज योर एन फैक्ट, हाँ है ना बच्चों? और अगर तुम लंबे मेथड से जाओगे तो इसको थोड़ी दिक्कत आएगी, कि तुम इसे जानते हो क्या करोगे? एल्यूमिनियम हटाना पड़ेगा तुम्हें। तुम करोगे C2O4 थ्राइस, और इस पे चार्ज कितना आएगा बच्चों बताना जरा मुझे? 6 माइनस, पूरे पे 6 माइनस है, हाँ है ना बच्चों? और फिर तुम यहाँ पे क्या करोगे गाइस? यहाँ पे तुम बैलेंस करोगे कार्बन को, ऑक्सीजन तुम्हारा ऑलरेडी बैलेंस हो गया, अब तुम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और ऐड करो। समझे या नहीं समझे गाइस? कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? क्लियर हो गया, गुड।
ये जो मैंने लिखा है ना, ये कुछ वैसा ही है जैसा अभी हमने किया था ना, Fe2+ Fe2SO4 था, इसमें मैंने क्या लिखा था इसे क्वेश्चन में, Fe2+ ये वैसे ही मैंने ऑक्सीलेट को लिखा है, C2O4+6-। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? ये उसी टाइप का है जैसे हम Fe2SO4 को हम क्या लिखते हैं, आयरन को क्या लिखेंगे, Fe2+ का है। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चे? कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? गुड। अब गाइस आते हैं, ये एडिशन था जस्ट बीच में मैंने घुसा दिया, नेक्स्ट पे आते हैं। Fe2SO4 बेटा ये तो रिड्यूस ही होना है। हाँ है ना, Fe मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, सल्फेट नॉर्मली वहीं पे रहता है जहां पे है, ठीक है ना बच्चे, नॉर्मली। तो हमारा क्या होगा, रिड्यूस कौन होगा गाइस, Fe3+ से कहाँ जाएगा बच्चों, नॉर्मली 2+ में जाता है, आयरन में हम नहीं भेजते। अगर Fe2+ को रिड्यूस करोगे तो Fe में भेजेंगे, नहीं तो Fe3+ नॉर्मली Fe2+ में आता है। ओके गाइस, मुझे बताओ एन फैक्टर फॉर Fe2SO4 क्या होगा? हाँ बच्चों क्या होगा, सिक्स भी कहां से आ गया बच्चों, इट इज गोइंग टू बी 2+ C से +2 गया, और हमारे पास Fe2SO4 में आयरन कितने थे, 2 थे, तो 2 × 1 विच इज 2। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? इस रिएक्शन से लग रहा होता है 1 होगा, लेकिन आइडिया इज एक्चुअली रिएक्शन ये है ही नहीं, इट इज Fe2+ गिविंग Fe2+। आए ना बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चे? Fe2+ के लिए एन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। समझ, हाँ समझ आया नहीं आया बच्चे, चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? गॉट इट? एनी वे Fe2SO4 के लिए एन फैक्टर इज 2, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आया हो। SO2 गैस सल्फर की जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो काफी स्टेबल होती है। ओके, एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। SO2 कहाँ जाके गिरेगा बच्चों, सल्फेट में भेज दें इसे। एन फैक्टर क्या आने वाला है गाइस, व्हाट इज गोइंग टू बी द एन फैक्टर फॉर SO2? 2 होगा, +4 से +6 गया, एक ही सल्फर है, 2। HI पे आते हैं, HI एज रिड्यूसिंग एजेंट, HI एज रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा, तो नॉर्मली किस में जाएगा बच्चों, I2। मुझे बताओ एन फैक्टर क्या आएगा HI के लिए, 1 आएगा, और I2 के लिए 2 आएगा। ये चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? HI के लिए 1, I2 के लिए 2। ऑक्सीडेशन स्टेट से देख सकते हो -1 से 0 जा रहा है, एक का डिफरेंस है। HI में आयोडीन ही एक है तो 1 × 1, I2 में 2 I के एटम है तो × 2, और अदरवाइज करोगे तो हाफ रिएक्शन तुम्हें बैलेंस करनी पड़ेगी। कैसे करोगे, डिफिकल्ट ये भी नहीं है। आयोडीन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। HI के लिए एन फैक्टर क्या आएगा बच्चों, यहां से इस इक्वेशन से बताओ HI के लिए एन फैक्टर क्या आएगा, 2 HI के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, एक के लिए 1, और अगर I2 के लिए देखोगे तो एन फैक्टर इज गोइंग टू बी 2। लिख देता हूँ एन इज 2 फॉर I। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, आगे चलते हैं। KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहली चीज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ही तौर पे काम करेगा, मतलब ये रिड्यूस ही हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता ना बच्चों, +7 में बैठा है और कहाँ जाएगा ये, ठीक है ना बच्चों? ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? KMnO4 तुम्हारा, हाँ KMnO4 तुम्हारा सिर्फ रिड्यूस ही हो सकता है, इट कैन ओनली सर्व एज अ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ये रिड्यूस ही हो सकता है, कैन ओनली सर्व एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये गिरेगा कहां पे रिड्यूस होके? बहुत ऑप्शन थे इसके पास। इसमें ऐसा कुछ डिपेंड करेगा। हाँ, इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में बंदा कहाँ जाता है बच्चों? बोलो गाइस। Mn2+ एन फैक्टर क्या आएगा बच्चों हमारा? 5। इन एल्कलाइन लिखा हो सकता है, या डाइल्यूट एल्कलाइन लिखा हो सकता है, या न्यूट्रल भी लिखा हो सकता है राजू। ओके, उसमें किस में जाता है बच्चों? MnO2। एक बार है ना ऐसा क्वेश्चन जी में आ रखा था, व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर MnO4 माइनस इन बेसिक मीडियम से, इस टाइप का क्वेश्चन। तो कैसा बेसिक होगा वो बताया। माइल्डली बेसिक, हाँ, या न्यूट्रल, इस टाइप का ही कुछ आया था। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या आएगा बच्चों? 3+7 से +4 जा रहा है 3। इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम यहाँ पे परमैंगनेट जाएगा मैंगनेट में, MnO4 माइनस गोइंग टू MnO4 2 माइनस, एन फैक्टर 1+7 से +6 गया। अब आते हैं MnO2 पे। MnO2 अगर रिड्यूस होगा, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे वर्क कर रहा है, तो कहाँ जाएगा बच्चों? ये रिड्यूस होके कहाँ जाएगा गाइस? +2 में भेज देते हैं, 0 में मत भेजना, 0 में ज्यादा नहीं भेज रहे होते, ठीक है ना गाइस? रेयर केस। MnO2 Mn2+ में जाएगा, एन फैक्टर क्या आएगा बच्चों? 2+4 से +2 गया, एन फैक्टर 2। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, Na2S2O3 पे। हाँ बेटा, थोड़ा सा याद, ऊपर दूँ। बिल्कुल याद कर, यह है सोडियम थायोसल्फेट। जिसे हाइपो भी बोलते हैं, बहुत यूज में आता है। हाँ, कुछ दिन पहले करा था। आई बच्चों प्लीज, आवाज नहीं गाइस, एज रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? H2O32 माइनस में है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? राइट, +2 है। अब हम क्या कहेंगे? एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब बंदा क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। इन एसिडिक मीडियम ये जाता है किस पे बच्चों? S4O6 2 माइनस। अब देखते हैं बच्चे एन फैक्टर कैसे निकालते, जरा एन फैक्टर बताना S2O3 2 माइनस के लिए। गलत हाँ, गल लग रहा है, करो बेटा। हुआ या नहीं हुआ? अजीब सा नहीं आएगा, अच्छा सा आएगा। 2 से कहाँ जा रहा है? है। हाँ, 2.5 जा रहा है, तो कितने का डिफरेंस है? 0.5 का। और हमारे पास H2O32 माइनस में सल्फर कितने हैं? 1। एन फैक्टर इज गोइंग टू बी 1 फॉर H2O32 माइनस। सल्फर +2 से +2.5 गया, डिफरेंस कितने का आया? 0.5 का। अब H2O32 माइनस में सल्फर कितने हैं? 2, तो 2 × 0.5 1। अगर हम H4O62 माइनस के लिए एन फैक्टर सोच रहे होते तो क्या आता? इट वुड हैव बीन 2, 4 × 0.5 2। अदरवाइज इसे बैलेंस करके भी करा जा सकता था, ये है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? हाफ रिएक्शन से करना, ऑक्सीडेशन स्टेट की बजाय हाफ रिएक्शन से करना, क्लियर है? तो यू कैन सी H2O32- के लिए इन फैक्ट इज गोइंग टू बी 1।
अब आते हैं इन एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में भी ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है गाइस। इट गिव्स SO42-। बच्चों जरा मुझे बताओ एन फैक्टर क्या होगा S2O32- के लिए। एन फैक्टर क्या होगा S2O32- के लिए, बोलो गाइस। हाँ मैं इतने लंबे तरीके कर रहा हूं, तुम शॉर्टकट से बताओ। एट होगा, +2 से +6 गया, 4 का डिफरेंस और 2 सल्फर हैं तो 8। सल्फेट के लिए एन फैक्टर क्या होगा, 4। अब आते हैं K2Cr2O7 पे बच्चों। ये सारा तुम्हें याद होना चाहिए बेटा। ये भी रिड्यूस ही हो सकता है, क्रोमियम मैक्सिमम में बैठा है, +6 में बैठा है, नीचे ही गिरेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cr2O7 2-, किस पे जाता है बच्चों, 3+ पे। कितनी बार ही देखा है तुमने ये बैलेंसिंग में। एन फैक्टर क्या होगा Cr2O7 2- के लिए। सर C2Cr2O7 का क्या लिखा है सर? बीच में, बीच में मैंने कुछ नहीं लिखा Yellow बेटा, ये मैंने लंबे तरीके से किया था। हाँ यू कैन इग्नोर दैट, लंबे तरीके से मैंने ये बताया था एन फैक्टर क्या होगा। Cr2O7 2- Cr3+ में आता है, एन फैक्टर क्या है Cr2O7 2- के लिए पूछ रहा हूं मैं। सर 3 Cr6 का इनटू एन फैक्टर इज गोइंग टू बी 6, गुड। और Cr3+ का एन फैक्टर क्या होगा, 3। क्लियर है गाइस, गुड। अच्छा बच्चों ये क्या था, डाइक्रोमेट था। ओके दिस वाज डाइक्रोमेट। क्रोमेट क्या होता है, क्रोमेट इज Cr4 2-। अगर ये जाता Cr3+ में तो एन फैक्टर क्या आता बच्चों। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे भी 6 ही है। इन एन फैक्टर फॉर Cr4 2- क्या होगा, सर 3 होगा। +6 से +3 जा रहा है, एन फैक्टर इज 3। ये हम बीच में घुस गए, हमें करने की जरूरत नहीं थी इसे। उसका भी 3 होगा। HNO3 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों, HNO3 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गाइस। अब यहां पे बहुत चीजें आएंगी। कंसंट्रेटेड HNO3 लिया हमने, यहां पे NO3- जाता है NO2 में। ऊपर स्क्रॉल करता हूँ हाँ बेटा NO3- किस में जाता है, NO2 में। मुझे बताओ N फैक्टर क्या होगा। ये है जब कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हो, एन फैक्टर क्या होगा बच्चों। बच्चे बोल ही नहीं रहे, 1 होगा। +5 से +4 क्या, एन फैक्टर इज 1। अब आते हैं डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 यहां पे जो NO3- है वो जाता है NO में, एन फैक्टर क्या होगा बच्चों। +5 से +2 3, वेरी डाइल्यूट। NO3- बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिड्यूस होके जाएगा NH4+ में। एन फैक्टर क्या आएगा बच्चों, ये NO3- है। +5 से -3, 8 बच्चों। अब आते हैं कोल्ड डाइल्यूट पे। कोल्ड डाइल्यूट, लेकिन मैं बताऊं तुम्हें, NH2OH यहां पे एन फैक्टर क्या होगा गाइस, ये बताओ यहां पे बताओ।
नहीं, मैं तो बता ही दूंगा। ठीक मुझे 6 दिख रहा है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट गलत क्यों निकाल दो भाई? फाइव हाँ, दूसरे वाले में क्या होगी? -1 है बच्चों, प्लीज गाइस। शुभ्रांशु बेटा, थर्ड टाइम नाम आया तुम्हारा। अब हाँ शुभ्रांशु बेटा, लास्ट है। बच्चे चीज क्लियर हुई बोला या नहीं? बच्चों आवाज नहीं, समझ में आया या नहीं आया? एन फैक्टर इज 6। अब आते हैं H2O2 पे बच्चों। H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये बंदा क्या हो रहा है? रिड्यूस। क्या रिड्यूस हो गया? ऑक्सीजन कहाँ जाके मरेगा बताना जरा। H2O -1 में ऑलरेडी बैठा है, -2। एन फैक्टर क्या आएगा बच्चों, ये और बता दो H2O2 के लिए। इट सर 1 नहीं 2 इज गोइंग टू बी 2। क्यों? -1 से -2 जा रहा है और दो ऑक्सीजन है। एन फैक्टर इज 2। अब ये बंदा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर सकता है, मतलब ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो कहाँ जाएगा? -1 में बैठा है, ऑक्सीडाइज होगा कहाँ जाएगा? 0 पे O2। एन फैक्टर क्या आएगा बच्चों? वन नहीं अगेन 2 आएगा, -1 से 0, दो ऑक्सीजन है तो 2। हाँ है ना बच्चों। अब आते हैं HNO2 पे बच्चों। लेट अस गो ऑन टू HNO2 एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडाइज। नाइट्रोजन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है? 3। ऑक्सीडाइज करोगे 5 में भेज दें, क्योंकि तुमने ज्यादातर 5 ही देखा है, NO3- या HNO3। हाँ है ना। एन फैक्टर क्या होगा बच्चों? 2। और अगर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो, मतलब रिड्यूस कर रहे हैं हम, तो एनो माइनस बहुत ऑप्शन, बहुत ऑप्शन है हमारे पास। +3 पे था ना बच्चों? अगर NO लेते हो तो किस पे जा रहा है? 2 पे। N2O लेते हो किस पे जा रहा है बच्चों? 1 पे। NH4+ लेते हो किस पे जाएगा? -3 पे। -3 पे। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए हो कि क्या करा जा सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज यू कैन हैव। स्पेशल केस, स्पेशल केस ना, स्पेशल केस। Fe2O4, यार दिस एज रिड्यूसिंग एजेंट क्या बनाएगा? एज रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये क्वेश्चन तुमने अभी क्लास में किया था। Fe2O4, C2O4 तो ऑक्सीडाइज होएगा ही होएगा CO2 में। C2O4 तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा CO2 में। RN भी ऑक्सीडाइज होगा। तुम्हें याद आ रहा है, अभी हमने FeHC2O4 ट्वाइस लिया था, वहां पे एन फैक्टर क्या आ रहा था हमारा? वो दैट वाज एन फैक्टर, द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड वर एन फैक्टर। क्या आ रहा था एन फैक्टर वहां पे बच्चों? FeHC2O4 ट्वाइस में एन फैक्टर क्या था? HC2O4 ट्वाइस, FeHC2O4 का वहां पे तुमने एन फैक्टर नहीं सोचा था। एक काम करते, पहले इसको करो। नहीं बच्चों, इट वॉज 5। आयरन, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड करो। आयरन +2 से +3 गया और C2O4 -CO2 में गया। सबका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखोगे, कंबाइन करोगे। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, वो स्पेशल केस हो गया, कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो गया। ये नॉर्मल केस है, ये FeC2O4 है। आइडिया क्या है बच्चों? इसमें आयरन +2 से +3 जाएगा,
और सीओ सॉरी सी टू ओ फोर टू माइनस किस में जाएगा बच्चों, सीओ टू। तो एन फैक्टर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, जरा सोच के बताओ, इतने में पूरा एक साथ लिख के समझाता हूं। इधर टू उधर एक, नेट क्या आएगा एन नेट, जब कैलकुलेट जब अपना सोच रहा ना उसके बाद स्क्रीन पे देख लेना, नेट ऐसे निकाला कि पहले वाले में एफ जब टू प्लस से सी प्लस में जा रहा है एन फैक्टर वन, और सी डी ओ फोर टू माइनस सी ओ टू में जा रहा है एन फैक्टर टू, तो दोनों का कंबाइन कर दिया थ्री। या फिर तुम हाफ रिएक्शन लो, बैलेंस करो और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर देखो। पनव बेटा इधर ध्यान, ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है, या तो तुम दोनों का इनफैक्टर देखो, एफ प्लस टू प्लस सी में जा रहा है इनफैक्टर वन, सी डी ओ फोर टू माइनस सी ओ टू में जा रहा है इनफैक्टर टू, दोनों को ऐड कर दिया थ्री। या फिर नीचे हाफ रिएक्शन में तुम टोटल चार्ज बैलेंस करो, तीन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर आ रहा हो बेटा, सी डी ओ फोर टू माइनस में सी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, प्लस सी, प्लस सी से प्लस फोर जा रहा, और दो कार्बन ठहरे, दो कार्बन ठहरे तो तुम्हारा इंटू टू। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, नहीं तो हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन इज श्योर शॉट वे ऑफ गेटिंग योर आंसर करेक्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज, थोड़ा फैन धीरे करो। अब फैन है ना तेज नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूं बच्चों, मेरा वो स्क्रीन ब्लैंक हो गया था। ओके गाइस इधर ध्यान दो, यहां तक समझ गए गाइस, यहां तक समझ गया नहीं समझ गए, ओके अब देखो, अगर मैं वो लेता जो अभी हमने लिया था Fe HC2O4 twice, इसके लिए क्या होगा, ये स्पेशल गेज है जो मैंने अभी करवाया था तुम्हें, Fe3+ CO2 में जा रहा है, हाँ है ना बच्चों, इसके लिए जब तुम देखोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने निकल के आने वाले हैं बच्चों, 8, इट इज गोइंग टू बी 5, हाँ या ना। तो ऐसे केसेस भी आ सकते हैं, मतलब कोई रैंडम केस उठा के दे दिया, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें आयरन भी हो रहा है, C2O4 भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा बच्चों, वी आर डन विद दिस मच पार्ट फॉर द टाइम बीइंग, एक्चुअली गाइस स्टार्ट करते हैं, हाँ नोट कर लो, नोट इट डाउन। अभी काफी थ्योरी बचा है, जितना किया है उसका वन थर्ड और बचा है, फिर क्वेश्चन बाकी है। ये टॉपिक नहीं है, बस मैंने एकदम से मुझे रिएक्शन याद आई तो मैं उसको बता रहा हूँ गाइस। इसमें मुझे बताओ ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन, तुम्हें याद होनी चाहिए, बताओ बताओ बच्चों, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, सर रिडक्शन तो सीआर2 से, गुड। क्रोमियम प्लस सिक्स से कहां जा रहा है, प्लस थ्री पे, हाँ है ना, प्लस सिक्स से प्लस थ्री जा रहा है रिडक्शन, नाइट्रोजन माइनस सी से जीरो जा रहा है ऑक्सीडेशन, हाँ है ना। तुम्हें याद होगा दो रिएक्शन मैंने करवाई थी, उनको भी जरा बताना मुझे याद है या नहीं, इसको जब हीट करते तो क्या बनता है गाइस, जब करी रहे हैं तो एक रिएक्शन और रिवाइज हो जाए, बताओ बच्चों क्या बनता है इनमें, एन टू प्लस टू एच टू ओ, और यहां पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो एन टू ओ प्लस टू एच टू ओ,
करा था ना, फर्स्ट क्लास में गया था इफ आई रिमेम्बर। अब आते हैं कंपाउंड्स, ये वाला पार्ट भी तुमने अभी क्वेश्चंस के फॉर्म में करा था, कंपाउंड्स एक्टिंग एज एसिड्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, कंपाउंड्स एक्टिंग एज एसिड्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। H2C2O4 बच्चों, एज एसिड इसका इन्फेक्टर क्या है बच्चों, एसिड के तौर पर इसका इन्फेक्टर क्या है, दो हाँ है ना, एज एसिड इसका इन्फेक्टर इज टू, एंड एज ऑक्सीडाइजिंग सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट में हो क्या रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, C2O4 माइनस CO2 में जा रहा होगा, एंड फैक्टर क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी टू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे, एसिड के तौर पे भी एंड फैक्टर टू, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी एंड फैक्टर टू बच्चों। ओके नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, KHC2O4 या NaHC2O4 इसका एज एसिड एंड फैक्टर क्या होगा बच्चों, वन एक एच लूज करेगा, लेकिन एज रिड्यूसिंग एजेंट इसका एंड फैक्टर क्या होगा बच्चों, बच्चों बताओ, वन सेकेंड गाइस। हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, KHC2O4 NaHC2O4 यहां पे इन्फेक्टर एज एसिड क्या है, एक एच लूज कर सकता है, इन्फेक्टर इज वन। एज रिड्यूसिंग एजेंट इन्फेक्टर क्या है, हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ पे एच का कोई रोल नहीं है, C2O4 टू माइनस इज गोइंग टू CO2, इन्फेक्टर इज गोइंग टू बी टू एच। क्लियर है गाइस, नाइस ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट होता क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। अब गाइस यहां तक तो तुम्हें आसानी से निकाल रहे थे भाई, मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर ही तो करना है, एन फैक्टर तुमने अभी निकालना देख ही लिया। अब हम देख रहे हैं इक्विवेलेंट वेट निकालना फॉर अ सब्सटेंस अंडरगोइंग डिसप्रोपोर्शन, ऑक्सीडाइज भी वही हो रहा है, रिड्यूस भी वही हो रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट एन फैक्टर बच। क्लियर है, तो यहां पे दो तरीके से निकालने के, इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर, यहां पे हम एन इफेक्टिव लेंगे, और एन इफेक्टिव कैसे निकलेगा, 1 बाय एन इफेक्टिव इज 1 बाय एन 1 प्लस 1 बाय एन। ओके पहले मैं एक बेसिक एग्जांपल दे दूं, जैसे हमने अभी तक किसी का भी इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाला लेकिन आसानी से निकाल सकते, जैसे जैसे ये ले लेते हैं, मैं कोई वो लेने के चक्कर में था, जैसे ये ले लो SO2 है, SO2 इज गिविंग SO4 माइनस, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO2 विल बी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, एन फैक्टर यहाँ पे SO2 का क्या है बच्चों, 2। क्लियर है गाइस, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट, लेकिन नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फॉर सब्सटेंसेस गोइंग डिसप्रोपोर्शनेशन। तो अब देखो कैसे निकाले, Br2 गिविंग Br- प्लस BrO2, ये इस रिएक्शन के, दिस इज रिडक्शन दिस इज ऑक्सीडेशन, Br2 गिविंग Br- के लिए हमें देखो बच्चों Br2 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, Br2 गिविंग Br- के लिए एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर फॉर Br2 क्या होगा, और Br2 गिविंग BrO3- के लिए एन फैक्टर क्या होगा, 10। Br2 गिविंग Br- में 0 से -1 जा रहा था, दो Br है तो 2,
और ऊपर वाले जो हमने लिया हुआ है बी आर टू गिविंग बी आर ओ थ्री माइनस जीरो से प्लस फाइव जा रहा है, दो ब्रोमीन है तो 10, तो एन वन इज 2 एन टू इज 10, तो एन इफेक्टिव कितना आएगा बच्चों? तो यहां से एन इफेक्टिव आएगा 3/5, सॉरी 5/3, एन इफेक्टिव 5/3। क्लियर है बच्चों? तो हमारा जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो क्या आएगा बच्चों? मॉलिक्यूलर मास, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मास ऑफ बी आर टू बाय पाई बाय। ओके गाइस, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, तुम करना बच्चों। एम एन ओ टू गिविंग एम एन टू प्लस प्लस एम एन ओ फोर माइनस, करो बच्चों, डू इट। यहां पे हम इक्विवेलेंट वेट किसका निकालेंगे? एम एन ओ टू का बच्चों। ओके, एन इफेक्टिव हाँ एंड इक्विवेलेंट वेट इज क्लियर हो गया। अब एक टफ क्वेश्चन लेते हैं। पी फोर गिविंग पी एस थ्री प्लस एच टू पी ओ टू माइनस, हाँ बेटा इसको करो गाइस, और ऊपर करना है, करो बच्चों। बच्चों नीचे वाला कर रहे हो ना, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने नीचे दिया है, हाँ बेटा इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता, फोर पर नहीं आना चाहिए, ये तो 12 आए, ऊपर आएगा नहीं, चार है ना, चार आएगा, चार आएगा बेटा, या फाइनल आंसर, एक 12 है एक 4 है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? एक और एग्जांपल लेते हैं। बताओ बच्चों H2O2 का इन्फेक्टर क्या आने वाला है इन दिस वन? करो गाइस, इट इज गोइंग टू बी 1, इट इज गोइंग टू बी 1। अब मैं काम करता हूं, एक और तरीका बताता हूं निकालने का, बट आई थिंक द फर्स्ट वन इज प्रेफरेबल। गाइस देखो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा था, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? 2। यहाँ पे कितना था? 10। तुम्हें एक काम करो, बैलेंस करने की कोशिश करो, जैसे हम बैलेंसिंग कर देते तो दिस इंटू 5 हो जाएगा, दिस इंटू 1 हो जाएगा, ये 5 आया, ये क्या आ गया बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे कितना आएगा बी आर टू के साइड? 6 आएगा, इधर का 5 ऊपर का 1। अब तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दोनों में हमने क्या किया, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर बराबर कर दिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर बराबर कर दिए। कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, कितना है?
अच्छा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने आ रहे, दोनों में 10 हो गए या नहीं हो गए? पहले वाले में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थे 2, दूसरे वाले में थे 10, हमने दोनों बराबर कर दिए। हाँ है ना, क्लियर है गाइस? तो क्या हम कह सकते हैं 6Br2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 10। ऑक्सीडेशन हाफ में 10, रिडक्शन हाफ में 10, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं 6Br2 के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं? 10। 6Br2 के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं बच्चों? 10, राइट? तो 1Br2 के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाएंगे? 10/6। दिस इज योर एन फैक्टर। बेटा यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 10 आ रहा था, हाँ है ना, 0 से +5 10। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था? 2। हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का जो हमारा डिफरेंस था बेसिकली, उसको हम सेम कर रहे हैं कि हम बैलेंसिंग में यही तो करते थे ना गाइस। वी आर ट्राइंग टू मेक द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल फॉर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो उसके बाद तो बस हमें एन फैक्टर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो लगाया है। एन फैक्टर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल ऑफ सब्सटेंस। 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है फॉर 6Br2, तो 1Br2 के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है दैट इज द एन फैक्टर 5/3। अब तुम इक्विवेलेंट वेट इजीली निकाल सकते हो, मॉल का मास बाय 5/3। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का जो हमने लिया ही था। MnO2 गिविंग Mn2+ प्लस MnO4-। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 3 का। इसको into 2 किया, इसको into 3 किया, राइट गाइस? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम क्या कहेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द रेडॉक्स रिएक्शन कितने हैं? 6। और यहाँ पे MnO2 कितना होगा बच्चों? 5। हाँ है ना गाइस? यहाँ से 3, यहाँ से 2 और यहाँ पे 5। तो हमारा एन फैक्टर क्या आ जाएगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी 6/5। क्लियर और नॉट? समझ गए ना बेसिकली कैसे करना है? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन। हाँ, लेकिन उसका यूज रिडॉक्स, मतलब रिडॉक्स के थ्रू समझ सकते हो बच्चों। देखो इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, इट इज द वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज एट STP बाय 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से जितना O2 जनरेट होएगा एट STP, जितना वॉल्यूम ऑफ O2 जनरेट होगा एट STP, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। H2O2 सॉल्यूशन का हमने 1 लीटर लिया और उससे हमने O2 जनरेट करवाया, O2 की STP पे जो वॉल्यूम जनरेट होगी दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। क्लियर है गाइस? H2O2 के 1 लीटर से हमने O2 जनरेट करवाया एंड द वॉल्यूम ऑफ O2 जनरेटेड एट STP इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बच्चों जरा रिएक्शन देखते हैं। H2O2 गिव्स H2O+O2। बैलेंस कर दे बच्चों, एक काम करते हैं इधर हाफ कर देते, हो गया बैलेंस। हम कहेंगे मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या है, मान के चलो उसके बिना हमारा होगा ही भाई, 1 लीटर डाइल्यूट होगा तो ऑक्सीजन कम रिलीज होगा। H2O2 की अमाउंट 1 लीटर में ज्यादा होगी, ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट होगा, हाँ है ना बच्चों? मतलब ऑक्सीजन जो जनरेट होगा दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो लेट एम बी द मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। एम इज मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ओके बच्चों, यहां तक कोई डाउट? क्लियर है?
एम मोलैरिटी को हम बोल सकते हैं दे आर एम मोल्स H2O2 इन 1 लीटर सोल्यूशन। हाँ है ना बच्चों, वी कैन से दैट, मैं इसको लिख देता हूँ, इट मीन्स एम मोल्स H2O2 इन 1 लीटर सोल्यूशन। अब डू यू रियलाइज और नॉट, क्वेश्चन के अंदर जो वॉल्यूम स्टैंड उसकी डेफिनेशन क्या थी, 1 लीटर H2O2 से द अमाउंट ऑफ O2 जनरेट। तो कैन आई से, एक तरीके से हमें ये पूछा गया है एम मोल्स H2O2 से कितना ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है। अगर मोलैरिटी एम है, इट इज अनदर वे ऑफ सेइंग एम मोल्स H2O2 है 1 लीटर सॉल्यूशन, और हमें 1 लीटर सॉल्यूशन से ही चेक करना था ऑक्सीजन कितना जनरेट हो रहा है। तो एक तरीके हम ये कह सकते हैं, हम ये पता लगाना चाह रहे हैं एम मोल्स H2O2 से कितना ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है। कितना जनरेट होगा बच्चों, M/2 मोल जनरेट होगा ऑक्सीजन। अब इतना मोल जनरेट हो रहा है STP पे, तो वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज योर वॉल्यूम स्टैंड बच्चों, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। अगर मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन एम दे रखी है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज एम इंटू 11 पॉइंट, शायद करवाए, आई डोंट रिमेम्बर, एनीवे क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों। दिस इज योर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। मतलब अगर तुम्हें कभी वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है, तो एक तरीके से ये मान के चलो तुम्हें मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन पता है। समझ गए गाइस, क्लियर हो गया, गुड। अब इन टर्म्स ऑफ, अगर नॉर्मेलिटी आ गया तो, नॉर्मेलिटी दे रखा है तो H2O2 की मोलैरिटी की वजह क्या दे रखी है, नॉर्मेलिटी। तो तुम एक रिएक्शन लेते हैं H2O2 प्लस MnO4-, इसमें Mn रिड्यूस और ऑक्सीजन क्या हुआ बच्चों, H2O2 ऑक्सीडाइज होगा 2O2। मुझे बताओ एन फैक्टर क्या है यार H2O2 का, -1 से 0 जा रहा है, 2 ऑक्सीजन है 2 बच्चों। आइडिया इज जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, इट वाज मोलैरिटी इनटू 11.2, हाँ है ना, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इज नॉर्मेलिटी। मतलब अगर मैं मोलैरिटी को लिखूंगा, इट इज नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, हाँ या ना गाइस। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ, अगर नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 दे रखा है, दिस इज योर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। नॉर्मेलिटी दे रखा है तो नॉर्मेलिटी इंटू 5.6, मोलैरिटी दे रखा है तो मोलैरिटी इंटू 11.2, दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन भी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चे, कोई डाउट किसी भी बच्चे को, यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है? तो अब करेंगे हम क्वेश्चन पे, थ्योरी इज ओवर नाउ, नो मोर थ्योरी इज लेफ्ट इन रिडॉक्स। हाँ हाँ बेटा, तो यू कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चन कितने ज्यादा है और कितने इंपॉर्टेंट है। आज अभी बताता हूँ, ठीक है बच्चों, जस्ट अ सेक, ओके बच्चों, क्वेश्चंस क्वेश्चंस पे आते, वन ग्राम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन ऑफ, होल्ड ऑन, 1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कंटेनिंग Y% H2O2 बाय वेट रिक्वायर्स Y ml ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन फॉर टाइट्रेशन। दिस इज रेडॉक्स टाइट्रेशन अंडर एसिडिक कंडीशन।
फाइंड मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। ओके बच्चों, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन हमें निकालना। गाइस पहली चीज, अब तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए रिएक्शन में क्या हो रहा हो। MnO4 माइनस है, एसिडिक कंडीशंस है, मतलब MnO4 माइनस कहाँ जा रहा होगा, Mn2 से मैंगनीज रिड्यूस हो गया, तो H2O2 क्या होना चाहिए, O2 में जा रहा होगा। रिएक्शन को तुम बैलेंस भी कर सकते हो, बैलेंस करके क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। हम बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि हमें एन फैक्टर रटे हुए, तुम्हें नहीं रटे हुए, मुझे रटे हुए, तुम्हें भी रटे हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना बच्चों। हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Mn2+, विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, MnO4 माइनस प्लस H2O2 गिव्स O2 प्लस Mn2+, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 या MnO4 माइनस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Mn2। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं, हमें KMnO4 को H2O2 के बराबर करेंगे। अगर उसने Mn2+ के मोल पूछे होते तो हम वैसे कर। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, अभी हमारे को वी आर ओनली कंसर्न विद H2O2 एंड KMnO4। देखते जाओ, वाई परसेंट H2O2 बाई वेट, मतलब मैं कह सकता हूँ वाई बाय 100 × 1, ये क्या दे रहा है बच्चों बताओ मुझे। 1 ग्राम सैंपल दे रखा है विच कंटेन्स वाई परसेंट H2O2 बाई वेट, मतलब 1 ग्राम इज नॉट प्योर H2O2, इट इज दैट सॉल्यूशन का मास जिसमें वाई परसेंट H2O2 है, मतलब 100 में वाई है तो 1 में कितना होगा, × 1, है ना बच्चों। ये क्या बता रहा है, ग्राम ऑफ H2O2, एक्चुअल ग्राम ऑफ H2O2। ये जो 1 ग्राम था उस वो तो पूरे सॉल्यूशन का था, ये जो वाई बाय 100 × 1 है क्या बता रहा है बच्चों हमें, एक्चुअल ग्राम ऑफ H2O2 बाय मॉल के मास ऑफ H2O2 कर दो, क्या देगा बच्चों। अब H2O2 जब O2 में जाता है तो H2O2 का इनफेक्टर क्या होता है, H2O2 जब O2 में आता है इनफेक्टर क्या होता है, × 2, ये क्या दे रहा है बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। एक काम करते हैं, वहां पे है ना वॉल्यूम ML में दे रखी है तो × 1000 भी कर दूं मैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, वॉल्यूम कितनी दे रखी है Y, मोलैरिटी M, N फैक्टर ऑफ MnO4 क्या होगा, MnO4 कहाँ जा रहा है, Mn2+ में, N फैक्टर 5। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन हमारा खत्म, वाई कट जाएगा, मतलब वाई का वाई के टर्म्स में आंसर नहीं आएगा, यू विल गेट अ एक्चुअल आंसर। क्लियर हुई ये चीज या न्यू जो मैंने किया है, आई हैव इक्वेटेड मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KM, कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को, कोई डाउट नहीं, गुड। इसको बैलेंसिंग से भी किया जा सकता था, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कैसे किया जा सकता था, एक को मैं बता देता हूं, प्लस O2। हम कहेंगे यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट गाइस। हम कहेंगे वाई बाय 100 × 1, ये क्या है बच्चों, ग्राम्स बाय मोल के मास ऑफ H2O2, ये क्या है बच्चों, मोल ऑफ H2O2। इसके लिए मोल ऑफ MnO4 माइनस कितने चाहिए, × 1000 करते हैं, दीज आर द मिली मोल्स ऑफ KMnO4 माइनस जो चाहिए विच इज मोलैरिटी × वॉल्यूम, सेम चीज है। लेकिन हमें पूरा इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमें एन फैक्टर हटे हुए थे, हाँ तो ये कर सकते, मोल इज ऑलवेज वो होता नहीं, मोल हमेशा चलेगा, तो 10 मिनट बाद नहीं नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है KMnO4 H+ कंटेन्स 3 ग्राम
पर लीटर ऑफ केमनोफोर इज यूज्ड टू टाइट्रेट एसओडो सॉल्यूशन विच कंटेन्स 2 ग्राम पर लीटर ऑफ एसओडो. वॉट वॉल्यूम ऑफ केमनोफोर विल बी रिक्वायर फॉर 20 ml SO2 सॉल्यूशन. ऑल्सो फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन. बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा गया और KMnO4 कितना लगेगा ये भी पूछा गया. अभी तक तुम्हें समझ आ गया होगा ये वही रिएक्शन है तुम्हारी जो अभी थोड़ी देर पहले करी थी. MnO4 माइनस Mn2 प्लस में जाएगा, एसिडिक मीडियम दे रखा है और H2O2 O2 में जाए, राइट. ग्राम इक्विवेलेंट दोनों की इक्वेट कर दे, ये 3 ग्राम पर लीटर क्या दे रखा है बच्चों में स्ट्रेंथ. तो 3 ग्राम 1 लीटर में है तो कितने मोल 1 लीटर में होंगे, मोल के मास ऑफ KMnO4. ये क्या दे रहा है बच्चों, मोलैरिटी. बेसिकली मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर ऑफ KMnO4 कितना है बच्चों, इंटू वॉल्यूम कर देते हैं पहले. वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कितना लिया था बच्चों, पूछा गया था, इंटू एन फैक्टर ऑफ KMnO4 क्या होगा बच्चों, ये वॉल्यूम किस में निकाल रहे हैं हम बच्चों, ml में. तो हमने ये क्या लिया, ध्यान से देखो बच्चों, ये था मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम मिलिक्विलेंट ऑफ KMnO4, राइट गाइस, विल बी इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ H2O2. 2 बाय मोल के मात्रा ऑफ H2O2 क्या दे रहा है बच्चों, मोलैरिटी ऑफ H2O2 इंटू एन फैक्टर ऑफ H2O2 विच इज 2 into volume of H2O2 which is 20. यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये ml में लिया है इसलिए तुम्हारा लेफ्ट साइड में जो वॉल्यूम है वो भी ml में ही आ रही है. ओके गाइस गुड. अब हमें पूछा गया है स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, यार मोलैरिटी ऑफ H2O2 क्या होगा, 2 बाय मोल के मास ऑफ H2O2 होगा. दिस वाज द मोलैरिटी इनटू 11.2, ये आ गया वॉल्यूम. समझे या नहीं समझे गाइस ये बता दो मुझे पक्का. वेरी नाइस गुड. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये है बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है. हाँ 1.25 ग्राम सैंपल ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 is dissolved in 100 ml water, 25 ml of it are treated with Ki solution. The iodine liberated is required ml of m/25 hyposolution. Na2S2O3H+.
फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन। फाइंड परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन फ्रॉम सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सच बताओ एक भी चीज समझ आ रही है इस? ओके okay. मतलब पहले क्वेश्चन नोट कर लो गाइस, ये वाला क्वेश्चन ही सबसे टफ, ठीक है ना बच्चों? इट इज वेरी टफ, नहीं आज की क्लास में, ठीक है बच्चों? हाँ गाइस देखो, पहली चीज हमें 1.25 ग्राम दे रखा है ब्लीचिंग पाउडर का, और क्लोरीन के अमाउंट पूछी है यार। वो तो हम वैसे भी निकाल सकते थे, क्लोरीन का मास बाय मोल का मास इंटू 100 कर दो। मतलब CaOCl2 है, क्लोरीन का मास बाय CaOCl2 का मास, मतलब इट विल बी 71 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaOCl2 इंटू 100। इतनी मेहनत क्यों करी हमने? क्योंकि हो सकता है कि उसमें जो क्लोरीन बाहर निकल के आई उसमें से, वो सारी पूरी बाहर ना निकली। हमें तो वो पूछा गया है, वो क्लोरीन जिसने हमारा रिएक्शन में पार्ट लिया ब्लीच करने में, मतलब रिएक्शन में पार्ट लिया। क्लियर है बच्चों? मतलब ये मत कहना कि सर CaOCl2 है, इसमें क्लोरीन का मास हमें बताया 35.5 × 2 है, डिवाइडेड बाय मोल के मास ऑफ CaOCl2 इंटू 100 करते हैं। ऐसा नहीं करना, हमें पूरी मेहनत करनी पड़ी। अब पहली चीज, CaOCl2 से हमें कहा गया है क्लोरीन बाहर निकल, ठीक है ना बच्चों? उस क्लोरीन ने किसके साथ रिएक्शन करी? Ki के साथ। तो Cl2 + I- लिख दो, ये क्या देगा बच्चों हमें? क्लोरीन रिड्यूस होगा Cl- में गया, आयोडीन ऑक्सीडाइज होगा, वो हमें दिया भी हुआ है आयोडीन लिबरेटेड, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द आयोडीन लिबरेटेड, इसका मतलब I- किस में गया? I2 में। गुड, अब नेक्स्ट पे आते हैं। I2 जो है उसने रिएक्ट करा हाइपो के साथ, क्या बनाएगा बच्चों ये? अब एसिडिक मीडियम है, ओके बच्चों, एसिडिक मीडियम है, S2O32- किस में जाएगा? अभी तुमने पढ़ा था गाइस, S2O32- एसिडिक मीडियम में कहाँ जाता है? S4O6 वेरी गुड। अब बच्चों अगर सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आयोडीन क्या हो रहा होगा? रिड्यूस हो रहा होगा। वेरी नाइस। अब बच्चों सुनते आना, काम की चीज, ये क्वेश्चन आसान है लेकिन इसको डिफिकल्ट अगर बनाना हो तो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, गलती करने के हिसाब से। गलती बच्चे आराम से कर सकते। अभी ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये गोमे एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्वेश्चन खत्म। बट इट इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या तुम्हें पता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ S2O32- विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन द सेकेंड रिएक्शन? हाँ है ना बच्चों? हमें दे रखा है S2O32- का कितना अमाउंट था, मोलैरिटी दे रखी है 1/25, वॉल्यूम दे रखी है 12.5। तो वी आर बेसिकली गिवन द मोल्स ऑफ S2O32-, मोल्स के बाद हमारे पास इनफैक्ट है, हमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ S2O32- के पता है, दैट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2, राइट? अब ऊपर वाली रिएक्शन को देखो, डू यू रियलाइज यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, है ना? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन कंज्यूम इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 फॉर्म, है ना? और यहां पे हम कह रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ S2O32-, तो क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं डायरेक्टली? गाइस अभी तो लग रहा है हाँ हाँ सर आराम से हो जाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो बेटा, मोल्स तो इक्वेट होते हैं। मोल्स इक्वेट क्यों होते हैं ध्यान से देखो, मोल्स किसके इक्वेट कर रहा हूं पहले ये समझो। हम कहेंगे ये जो मोल्स है, ये मोल्स यहीं से आ रहे थे, हाँ है ना? जो मोल I2 हमारा S2O32- में रिएक्ट कर रहा है वो हमारी ऊपर वाली रिएक्शन से ही आया है। दीज टू मोल्स आर सेम,
तो अगर मोल से कर रहे हो तो तुम क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करोगे, H2O32 माइनस से I2 के मोल्स निकालोगे कि I2 के मोल्स कितने रिएक्ट करें। हम कहेंगे ये मोल्स I2 कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, क्लियर है गाइस। और ये I2 के मोल्स के लिए हम देखेंगे क्लोरीन के मोल्स कितने चाहिए, वहां से हमारी क्लोरीन की अमाउंट आ जाएगी। क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? H2O32 माइनस से हमने I2 के मोल्स निकाले, ये मोल हमारे I2 कहां से आ रहा है, ऊपर वाले से आ रहा है, तो इतने ही मोल I2 ऊपर रहा होगा, और I2 से हम देखेंगे क्लोरीन कितना हमें लगा होगा टू प्रिपेयर दैट मच I। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? हाँ बेटा, क्वेश्चन में देखो ना बेटा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, H2O32 माइनस की अमाउंट दे रखी है, तो H2O32 माइनस से हमने I2 निकाला, कितना रिएक्ट करा होगा, ये मैं मोल से बता रहा हूँ, मोल से कैसे करोगे, मोल कॉन्सेप्ट से। H2O32 माइनस से हमने I2 निकाला, फिर हम कहेंगे जो I2 यहाँ पे था वही I2 यहाँ पे रहा होगा, मोल्स वही I2 के मोल्स वहां पे रहे होंगे। अब यहाँ से I2 से हम निकालेंगे क्लोरीन कितना रहा हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई? मैं एक बार बैलेंस करके बता भी देता हूँ, अगर तुम बैलेंस करना चाहोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे तुम्हारा इनफैक्टर क्या आता था बच्चों, 1। तो मेरे ख्याल से ये आना चाहिए तुम्हारा बैलेंस इक्वेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ऐसे दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन मेरे ख्याल से। ओके गाइस, हम क्या कहेंगे, सपोजिंग सुनते आओ, H2O32 माइनस के मोल्स एक्स है, तो मोल्स ऑफ I2 कितने होंगे, X/2। यहां भी इसको मैंने बैलेंस कर दिया, अब X/2 मोल I2 किससे बन रहा है, ऊपर वाली इक्वेशन से, यहां भी X/2 है, हम कहेंगे उसके लिए क्लोरीन के कितने मोल चाहिए, एक के लिए एक चाहिए, तो X/2 ही मोल्स क्लोरीन चाहिए होगा, क्लोरीन के मोल से क्लोरीन का मास आ जाएगा, दैट मास डिवाइडेड बाय 1.25, ये 1.25 इनटू 100 विल गिव अस परसेंटेज। इसमें वैसे एक चीज मैं मिस कर गया हूँ, क्या मिस कर गया हूँ, कि 100 ml वाटर का 25 ml को हमने रिएक्ट करा, तो वो 1/4 का फैक्टर भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं वो 1.25 को छोड़ो, क्लोरीन के अमाउंट कैसे निकाली ये चीज समझ में नहीं आई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन हम इसको आसान क्या कर सकते थे, हम कहते कि यार सीधा ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट कर दो, सीधा क्या इक्वेट कर दो बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट, कि हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस, तो हम डायरेक्टली इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट कर। उसमें दिक्कत जो आ सकती है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं आई, वो ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के सेम ना हो, किन दोनों के, इन दोनों आयोडीन, एन फैक्टर देखना पड़ेगा, क्या दोनों के लिए, दोनों I2 के लिए एन फैक्टर सेम है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम कहेंगे यहां पे इस I2 के लिए एन फैक्टर क्या है, I2 गिविंग I माइनस एन फैक्टर क्या है, इस I2 के लिए ये रिएक्शन देख लिया, इस I2 के लिए एन फैक्टर क्या है, 2। अब इस I2 के लिए देखना है तो सोचो I2 गिविंग I माइनस यहां पे एन फैक्टर क्या आएगा, यहां पे भी 2 है, हमारा काम हो गया आसान। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? दोनों ही I2 के लिए, यहाँ पे हमने I2 का नीचे में n फैक्टर देखा तो I2 गिविंग I माइनस देखा, ऊपर I2 का n फैक्टर देखा तो हम, तुम कहोगे सर ये तो प्रॉड साइड में आइडिया इसके I2 गिविंग I माइनस, उसके वो देख रहे हैं क्या कि रिएक्टेंट और प्रॉड साइड में, इसका n फैक्टर 2 होगा, इसका n फैक्टर क्या होगा बच्चों, 1। समझ गए? मतलब आर यू एबल टू अंडरस्टैंड n फैक्टर ऑफ I2 इन द फर्स्ट रिएक्शन, मतलब अगर हमें इसका n फैक्टर निकालना है, कौन से I2 का बच्चों, इस I2 का इन्फेक्टर निकालना है, तो हम इसको ऐसे मान के चलेंगे I2 गिविंग I माइनस, अब इन्फेक्टर देख, समझ गए, इस आयोडीन का इन्फेक्टर चाहिए तो ये रिएक्शन मान के देख, I माइनस का इन्फेक्टर देखना है तो ये मान के देख। समझे या नहीं समझे गाय? हर एक को क्लियर हो गई ये चीज? बिल्कुल गुड। तो अभी तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको बताता हूँ टफ कैसे बनेगा, मतलब टफ कैसे बनेगा इन द सेंस उसमें क्या करना है अगर टफ हो गया। अभी तो मैं सीधा आंसर बनाता हूँ, 12.5 इंटू 1/25, ये क्या दे रहा है बच्चों, मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, क्या दे रहा है बच्चों, मिलीमोल्स इंटू एन फैक्टर ऑफ H2O32 माइनस, H2O32 माइनस का एन फैक्टर क्या होता है, हमें याद होना चाहिए, 1 होता है, इंटू 1, ये क्या आ गया बच्चों, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O32 माइनस should be equal to milliequivalent of chlorine in
दैट 25 ml सेम, इन 25 ml सेम। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? गुड। एक काम करता हूं, मैं मान के चलता हूं क्लोरीन को ओरिजिनली एक्स मान लेता हूं, ओरिजिनल मतलब जब हमने वो जो 1.25 ग्राम सैंपल था उसमें मान के चलो क्लोरीन अवेलेबल, क्लोरीन एक्स। ओके बच्चों, तो एक्स बाय 71, ये क्या देगा बच्चों हमें? Cl2। मैं मान के चल रहा हूं उसमें जो क्लोरीन है Cl2 है, किसमें? CaOCl2 में क्लोरीन एक्स है। तो ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ क्लोरीन इनटू, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? इसको मैं काम करता हूँ, मैं 71 हल के मोल के मास ऑफ Cl2 लिख देता हूँ। अब समझ में आ गया बच्चों, ये क्या है बच्चों? मोल्स। एक काम करें, सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड में मिलीक्विलेंट ले रखा है, चलो बाद में पहले ग्राम इक्विलेंट कर लेते हैं फिर मिलीक्विलेंट करें। सीएल टू का इनफैक्टर क्या है? ये तो मोल ऑफ सीएल टू है, हमें चाहिए सीएल टू का इनफैक्टर इंटू टू, क्योंकि सीएल टू इज गिविंग सीएल माइनस। ये क्या दे रहा है? ग्राम इक्विलेंट, ग्राम इक्विलेंट ऑफ क्लोरीन इन द ओरिजिनल सैंपल। ओके, एक काम करें सबसे पहले मिलीक्विलेंट पे चले आए, है ना, इंटू 1000 कर देते हैं। कोई डाउट यहां तक बच्चों? ये मिलीक्विलेंट किसमें है? ये मिलीक्विलेंट ऑफ क्लोरीन किसमें है? 100 ml सॉल्यूशन में, हमने उसका 25 ml को करवाया था। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब तो हमें बस क्या करना है, एक्स बाय 1.25 इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन दे देगा। इन योर दैट ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? गाइस मुझे एक्स की वैल्यू कोई बता देगा सॉल्व करके? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू बी श्योर के बच्चों ने सही किया है। बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? मैं भी करता हूं, जीरो पॉइंट 0.071 आ रहा है ना? गुड, तो 0.071 बाय 1.25 इंटू 100। क्लियर हो गई ये चीज? यहां पे हमने इक्वेट क्या किया है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 माइनस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। कोई डाउट? लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आती कि दोनों में हमने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 जो है वो सेम थे, कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 माइनस वाज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस I2 एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 वाज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस I2। वी जस्ट हैड टू सी दोनों I2 जो है वो सेम है या नहीं, उन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम है या नहीं। हाँ है ना, क्वेश्चन हो गया। अब एक काम करते हैं, इसी में थोड़ा चेंज करते हैं, Cl2 प्लस I- गिव्स हमारा होता Cl- प्लस मैंने ले लिया IO3-, और यहां पे मैं लेता हूं IO3- प्लस H2O32- गिव्स S4O6-, प्लस I। अब क्या करोगे गाइस? और मान के चलो वैल्यूज सेम दे रखी के H2O32- की उतनी अमाउंट लगे, तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, या तो बैलेंस कर लो, नॉट अ बैड ऑप्शन, बैलेंसिंग भी तुम्हारी अच्छी है इसलिए मैंने इतना बैलेंसिंग पे ध्यान दिया था, वो कर सकते हैं। आसान तरीका एक और भी है, क्या 12.5 × 1/25, ये क्या दे रहा था बच्चों? इंटू 1, ये हमें मोलैरिटी दे रखा था ना बच्चों, या नॉर्मैलिटी दे रखा था क्वेश्चन में, मोलैरिटी। हम क्या कहेंगे, ये कर दिया हमने, ये क्या दे रहा है बच्चों? मिलीक्विलेंट ऑफ H2O32-। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये ग्राम इक्विलेंट इस ग्राम इक्विलेंट के बराबर ना है, IO3- के ग्राम इक्विलेंट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन आर नॉट सेम, दोनों के लिए इनफैक्टर अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, ये क्या है, ये जो अभी हमने लिखा है एक्सप्रेशन, ये क्या है, ग्राम इक्विलेंट ऑफ H2O32- इट इज इक्वल टू ग्राम इक्विलेंट ऑफ IO3- इन द सेकेंड रिएक्शन।
यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट से मोल निकालो, क्योंकि एन फैक्टर तुम्हें पता है एन फैक्टर क्या हो गया, आईओ थ्री माइनस गिविंग आई टू के लिए, आईओ थ्री माइनस गिविंग आई टू के लिए एन फैक्टर क्या है, 5 है, प्लस 5 से 0 जा रहा है, आई टू के लिए एन फैक्टर बाद में क्या होता, 10 होता, जरूरत नहीं होती। ये हमारे हैं मिल इक्विवेलेंट किसके बेटा, आईओ थ्री माइनस के। अगर मैं इंटू 1/5 कर दूं तो ये क्या देगा बच्चों, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया अभी मोल देगा, दीज वर मिल इक्विवेलेंट ऑफ आईओ थ्री माइनस, बाय 5 विल गिव अस मोल ऑफ आईओ थ्री माइनस। बेटा मिल इक्विवेलेंट इज, मैं 5 डिनोमिनेटर में लिखता हूँ, मिल इक्विवेलेंट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो मैंने मोल्स निकाल और मोल्स तो सेम रहेंगे, जो आईओ थ्री माइनस नीचे वाली रिएक्शन में है उतने ही मोल्स आईओ थ्री माइनस के ऊपर वाली रिएक्शन में थे, तो ये क्या आ गया बच्चों मोल्स ऑफ आईओ थ्री माइनस, कोई डाउट यहां तक। अब यहां से फिर से ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, इस आईओ थ्री माइनस के लिए एन फैक्टर क्या है, इस आईओ थ्री माइनस ऊपर वाले आईओ थ्री माइनस के लिए एन फैक्टर क्या है, प्लस 5 और माइनस 1 6, ये हमारे थे मोल्स ऑफ आईओ थ्री माइनस, और यही मोल्स आईओ थ्री माइनस यहां पे है। तो अब मैं अगर इंटू 6 कर दूंगा तो डू यू रियलाइज मिल इक्विवेलेंट ऑफ आईओ थ्री माइनस आ गए, एंड दिस मिल इक्विवेलेंट ऑफ आईओ थ्री माइनस इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ सी एल टू। हाँ या ना बच्चे, समझ में आया नहीं आया, मिल इक्विवेलेंट ऑफ सी एल टू को मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इक्वेशन चेंज करके समझाता हूँ, ये मिल इक्विवेलेंट ऑफ क्या है बच्चों, ये मिल इक्विवेलेंट ऑफ आईओ थ्री माइनस एंड इट इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ सी एल टू, राइट। तो अगर मैं अब यहाँ पे डिवाइड कर दू मिल इक्विवेलेंट को, किससे डिवाइड कर दो, एन फैक्टर ऑफ सी एल टू से, ये क्या देगा मिली मोल्स, और मैं 1000 से डिवाइड कर दू तो क्या देगा बच्चों, ये दीज आर द मोल्स ऑफ सी एल टू, हम कहेंगे एक्स बाय 71 मोलिक मास ऑफ सी एल टू लेता हूं, ये मोल सी एल टू किसमें है बच्चों, नहीं 25 ml में, तो हम कहेंगे दीज आर द मोल्स इन, नहीं मतलब मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, दीज आर द मोल्स इन 25 ml, हम कहेंगे दीज आर द मोल्स इन 100 ml इनटू 25 बाय 100 कर, मैं थोड़ा इक्वेशन को चेंज इसलिए किया ताकि तुम ये समझ जाओ कि उसमें जो मैंने ऊपर लिखा और नीचे लिखा इसमें कोई फर्क नहीं है, समझ आ रहा है बच्चों, मतलब यहाँ पे मैं ये भी कर सकता था कि बेसिकली यहाँ पे बाय 2 कर दूं और 1000 कर दूं यहाँ के बजाय, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, भले ये बता दो हो गया क्लियर, तो ये दूसरा तरीका समझ आया नहीं आया, पक्का समझ आ गया क्या, हमने क्या किया है, एन फैक्टर डिफरेंट है, तो पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट से ए से बी पे गए, मतलब जो हमें चाहिए था जो कॉमन था, फिर बी के ग्राम इक्विवेलेंट से मोल पे आए, फिर मोल इक्वेट हो गए दोनों साइड में दोनों रिएक्शंस के, फिर मोल से फिर ग्राम इक्विवेलेंट पे गए, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ सुनते आना, दीज वर मिल इक्विवेलेंट ऑफ आईओ थ्री माइनस, नाउ इट इज गिविंग अस मोल्स ऑफ आईओ थ्री माइनस, नाउ इट इज गिविंग अस मिल इक्विवेलेंट ऑफ आईओ थ्री माइनस इन द फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है कह रहा बच्चों, नाउ इट इज गिविंग अस मोल्स ऑफ सी एल टू, क्योंकि ये जो था ट्राई टू अंडरस्टैंड ये इंटू 6 किया, दिस वॉज गिविंग अस मिली इक्विवेलेंट ऑफ आईओ थ्री माइनस इन द फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी एल टू, बाय 2 करके क्या आ गया मिली मोल्स ऑफ सी एल टू, मोल्स ऑफ सी एल टू, समझ आया नहीं आया, ये चीज पक्का क्लियर हो गई, किसी भी बच्चे को कोई डाउट, ऑनलाइन वाले बच्चों समबडी रेस्पॉन्ड विद यस सर, समझ में आ गया है, यस सर आ गया, वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये पार्ट है ओके, सुनते हैं बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कौन सा हो गया 4, फिर 5 है टोटल, क्योंकि ये सब पार्ट है इसका, तो मैं उसे 4 लिख रहा हूँ, सुनते आओ बच्चों प्लीज शांति, 5 ग्राम ऑफ, अब आसान है बच्चों, CO Cl2 इज डिसॉल्व, सुनते आना बच्चों,
इन वाटर टू मेक 500 ml सॉल्यूशन। बिल्कुल वैसा ही है, 20 ml ऑफ इट इज एसिडिफाइड विद एसिडिक एसिड एंड ट्रीटेड विद KI। द आयोडीन लिबरेटेड रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ m by 10 Na2S2O3 सॉल्यूशन। फाइंड परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। ओके बच्चों, गाइस इस क्वेश्चन को नोट करो, एक्सप्रेशन बनाओ एंड देन ट्राई टू मैच इट विद द एक्सप्रेशन जो मैं लिख रहा हूं। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं। पहले आई माइनस ने सीएल टू के साथ रिएक्ट करा, सीएल टू सीएल माइनस में गया, आई माइनस आई टू, आई टू ने एनए टू एस टू ओ थ्री के साथ रिएक्ट करा, एस टू ओ थ्री टू माइनस ऑक्सीडाइज हुआ एस फोर ओ सिक्स टू माइनस में, और आयोडीन रिड्यूस हुआ आई टू से वापिस आई माइनस। समझे या नहीं समझे गाइस, राइट डाउन द एक्सप्रेशन। करो करो बच्चे, यहां पे हम सीधा कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 टू माइनस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। I2 और H2O3 टू माइनस I माइनस एंड S4O6 टू माइनस। हाँ सीधा ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करना है यहाँ पे, अब हमें पूरा समझने के लिए था वो। नॉर्मली क्वेश्चन इतना टफ आएगा नहीं जो मैंने तुम्हें बना के बताया था, आ जाए तो मोल से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। समझ गए बच्चों, हम करेंगे मिल इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 टू माइनस इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इन द 20 ml सैंपल जो हमें दे रखा है, 20 ml 500 ml का 20 ml उसके बराबर। सेम बना है, एक्स की वैल्यू भी निकाल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, मतलब आंसर की वैल्यू बताओ, फाइनल आंसर। डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन आसानी है, इसलिए करो उसे। ये देखो दिस वाज, दिस होल वाज मिल इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 टू माइनस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट के बाद मिल इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, बट दीज आर द मिल इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इन 500 ml 20 ml में कितना होगा। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे, निकाल के देखो भाई, मतलब फाइनल आंसर बता दो, आंसर निकालो। यू कैन यूज कैलकुलेटर इफ यू वांट, प्लीज गिव मी द फाइनल आंसर बच्चों। अरे एग्जैक्ट बता दो भाई,
75.4 क्लोरीन का क्या लिया है तुमने? 71, 35.5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्लीज बच्चों क्या आंसर आ रहा है? 35.5 कैलकुलेटर यूज करके बता दो भाई, इतना डिफिकल्ट भी ना है, खुश हो रहे हो बिना कैलकुलेटर के, मुझे बस ये बता दो एग्जैक्ट 35.5 आया नहीं आया, एक चीज बता दो मुझे, ये 71/40 कहाँ से तुम्हारा 35? अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन। हाँ नहीं, द बच्चों क्वेश्चन नोट करो, नोट डाउन द क्वेश्चन। हाँ इस क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन पढ़ लिया, पढ़ो ढंग से पढ़ो गाइस, और फिर बताओ रिएक्शन में क्या हो रहा है। H2O2 को KI के साथ किया तो क्या बना? लिबरेटेड आयोडीन मतलब I2। अब अगर I माइनस I2 में गया तो H2O2 किस में गया होगा? H2O में गया होगा, I माइनस I2 में गया, आयोडीन ऑक्सीडाइज हुआ तो H2O2 किस में गया बच्चों? H2O में। कोई डाउट यहां तक? गुड। तो नेक्स्ट I2 जो था उसने किसके साथ रिएक्शन करी? H2O3 माइनस के साथ, H2O3 माइनस गया H4O6 माइनस में, और I2 किस में गया? I माइनस। तो ये तो सेम केस बन रहा है, H2O2 प्लस I माइनस विल गिव अस I2 प्लस H2, एंड I2 प्लस H2O3 माइनस विल गिव अस H4O6 माइनस प्लस I माइनस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई पहले ये बता दो, कितने बच्चों क्लियर हो गई? हो गया क्लियर? तो हम सीधा क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 माइनस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O3, 20 × 0.1। अब यहाँ पे एन फैक्टर से मल्टीप्लाई ना कर देना, पहली नॉर्मेलिटी पकड़ा रखी है हमें, ठीक है ना, विल बी इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 मोलैरिटी इंटू 50 इंटू एन फैक्टर क्या होगा बच्चों? H2O2 का याद होना चाहिए, ऑक्सीडेशन में सोचो या रिडक्शन में सोचो, इसका दोनों में एन फैक्टर 2 होता है गाइस, एंड मोलैरिटी इंटू 11.2 क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। सर एक बार बस आंसर बता दो मुझे, जस्ट टेल मी द आंसर गाइस। बच्चों 2.24 तो गलत है बच्चों, प्लीज वॉल्यूम लीटर में होती है H2O2 के लिए, ठीक है ना बच्चों, वॉल्यूम ऑफ O2 एंड वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर बच्चों, 0.224 ना, 0.1 से मल्टीप्लाई नहीं कर, वही बात, ठीक है बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस?